इंदौर शहर की कैसे स्थिति अभी फिलहाल में? देखिए, कल जो 483 सैंपल्स लगाए गए थे और हमें प्राप्त हुए थे, उनकी रात में रिपोर्ट आने पे 440 निगेटिव आए हैं और 43 उसमें से पॉजिटिव आए हैं। इन पॉजिटिव को मिला लेने के बाद अभी जो हमारे पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1654 हो गई है। इसके अतिरिक्त दो मृत्यु की भी सूचना थी कल, जिसे मिलाकर 79 मृत्यु हो गई है। सबसे हर्ष की बात ये थी कि कल दोनों मेडिकल कॉलेज जो हमारे प्राइवेट हैं, इंडेक्स और अरविंदो, वहाँ से लगभग 50-50 लोग की को डिस्चार्ज किया गया और 6 मरीज हमारे जो CCC सेंटर है यानी कि वाटर लिली से, वहाँ से भी 6 लोगों को और चौथरा मास्टर से 2 लोगों को। इस तरह से कुल मिला के हमने 106 लोगों को स्वस्थ होने के पश्चात उनको डिस्चार्ज किया है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले 121 किया था, फिर अभी 106 लोगों को किया, मतलब डिस्चार्ज की संख्या बढ़ती जा रही है। वो जो मरीज प्रारंभ में एक साथ आए थे वो सारे लोग अब जा रहे हैं और ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। इन्हें 14 दिनों के लिए फिर से होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है, इन्होंने एक शपथ पत्र भी भरा है। इसके अलावा इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐप भी है। इस ऐप के माध्यम से ये पता चलेगा कि ये अपना जो आइसोलेशन का पार्ट है वो पूरी तरह से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इनके लिए, इनके अतिरिक्त जो अब पॉजिटिव आएंगे और एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, उन लोगों को हम होम आइसोलेशन करने की सलाह देंगे। उन होम आइसोलेशन में एक हमारा केयर गिवर उसके लिए निश्चित किया जाएगा, जो कि उसकी 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 9 दिन बाद और 14 दिन बाद उसका परीक्षण करेगा और ये देखेगा कि कहीं उसमें सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रहे और घट तो नहीं रहे। इसके अलावा उनको जो दवाइयाँ देने का काम है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों या एलोपैथिक दवाइयाँ हों, लक्षण के आधार पर जो भी दवाइयाँ उनको दी जानी है वो केयर गिवर की उत्तरदायित्व रहेगा। अभी तक सर्वे का जहाँ तक सवाल है, लगभग पूरा शहर हम लोग कर चुके हैं, 28 लाख से ऊपर का शहर हो चुका है और इसमें 5 लाख से अधिक घरों तक हम पहुंच चुके हैं। शेष बचे हुए आज समाप्त हो जाएंगे, परंतु यहाँ सर्वे का काम रुकेगा नहीं। इसके पश्चात पुनः हम सर्वे आगे बढ़ाएंगे और जो लोग पहले 14 दिन पहले जो देखे जा चुके हैं उन्हें पुनः टीम जाके देखेगी कि इन दिनों में कहीं उन्हें पुनः कोई लक्षण तो नहीं आया है, और यदि नहीं आता है तो उसे स्वस्थ मान लिया जाएगा। सर, इसमें कुछ कोरोना वॉरियर्स जो अभी आई है न्यूज़, उसमें कोरोना वॉरियर्स के दो डॉक्टर और पुलिस कर्मी भी थे। दो चिकित्सक साथी जो फ्रंट लाइन में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में लोगों को देख रहे थे और काम कर रहे थे, तथा 2 पुलिसकर्मी जो पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी से अपना इसको जवाबदारी को निभा रहे थे, वो लोग भी अभी इसमें संक्रमित हुए हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है, आराम से उनको पूरा संपूर्ण इलाज दिलाया जाएगा और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। सर, ए सिम्प्टोमेटिक कितने ऐसे पेशेंट्स हैं अगर देखे तो अभी फिलहाल के इसमें, और जो उन लोगों के लिए जो अलग से केयरटेकर लगाया जाएगा, क्या वो पूरे टाइम रहेगा या सिर्फ जो सैंपल लेने जाएगा तभी उनके साथ? ए सिम्प्टोमेटिक वाला जो मैंने बताया है, ये अब जितने भी लोग पॉजिटिव आएंगे और ए सिम्प्टोमेटिक रहेंगे, मानिए आज हमारी जो लिस्ट है 43 की, इसमें 10 लोग ऐसे आते हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है, तो इन्हें हम होम आइसोलेशन करेंगे। शेष में यदि कम लक्षण हैं तो उन्हें हम CCC में रखेंगे, अधिक लक्षणों वालों को हम कोविड केयर हॉस्पिटल में रखेंगे। इस तरह से ये जो प्रणाली बनाई गई है शासन के निर्देशानुसार और प्रोटोकॉल के अनुसार है। ठीक है सर, एक